हिमाचल प्रदेश के पासेस जो हिमाचल को कनेक्ट करते हैं इंटर स्टेट वाइज या फिर बात करूं इंटर डिस्ट्रिक्ट वाइज, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन चाहे अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार या हिमाचल के कोई भी एग्जाम्स हो यहाँ से पूछा जाता है। तो हम पहले बात करेंगे इंटर स्टेट वाइज, हिमाचल कितने स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और वो कौन से पासेज हैं, कौन से दर्रे हैं जो हिमाचल को कनेक्ट करते हैं उन स्टेट्स के साथ। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए और ये क्वेश्चन क्लियर बनता है कि हिमाचल कितने स्टेट्स के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा, लेकिन कई बार ऑप्शन जो है वो इस तरह से भी होंगे कि 4 स्टेट्स और एक जो है यूटी होगी। ये 4 स्टेट्स और एक यूटी, जम्मू कश्मीर जो है वो अब यूनियन टेरिटरी बन गई है, केंद्र शासित प्रदेश, तो अब 4 ही स्टेट्स रह जाते हैं। तो ये 4 स्टेट्स कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल के साथ, हिमाचल के साथ लगता है पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, सिरमौर, यूपी एंड उत्तराखंड। ये जो 5 स्टेट्स हैं, 4 स्टेट और एक यूपी, इनके साथ जो है हिमाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और इसके अलावा बात करूं मैं कि ये कौन कौन सी साइड पे हिमाचल प्रदेश के, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है काफी बार, हिमाचल प्रदेश की कौन सी डायरेक्शन में जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो हिमाचल के हिसाब से जो जम्मू है वो नॉर्थ में। अगर मैं पंजाब की बात करूं, हिमाचल प्रदेश की कौन सी साइड में पंजाब, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में। हिमाचल प्रदेश के हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा जो है वो साउथ में है हिमाचल प्रदेश के हिसाब से। अगर वहीं पे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की भी जो है सेम साउथ साउथ डायरेक्शन में आता है हिमाचल के। और लास्ट अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, उत्तराखंड जो आता है वो साउथ वेस्ट में आता है। एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं हम बात करें तो ये आती है उत्तराखंड की। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश जो है वो कौन से स्टेट के साथ लगता है, हिमाचल के साथ जो यूपी लगता है, बहुत से स्टूडेंट्स को जो है यही कंफ्यूजन रहती है यूपी कहाँ पे और हिमाचल कहाँ पे है। तो कौन सी जगह से हिमाचल के साथ जो है उत्तर प्रदेश कनेक्ट होता है? तो सिरमौर में एक जगह है, वहां से उत्तर प्रदेश जो है हिमाचल के साथ कनेक्ट होता है। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, डिस्ट्रिक्ट चंबा एंड लाहौल स्पीति, दो डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। पंजाब के साथ मैक्सिमम 5 डिस्ट्रिक्ट्स है, चंबा है, ऊना है, कांगड़ा है, ये जो और बिलासपुर एंड सोलन, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो है पंजाब के साथ अपनी बाउंड्री जो है शेयर करते हैं। हरियाणा के साथ अगर मैं बात करूं शिमला और सिरमौर, 2 स्टेट्स। लास्ट वन ये मैंने बता दिया उत्तराखंड, तो ये भी सिरमौर और शिमला 2 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है ये कनेक्ट होता है। अब हम सबसे पहले हम बात करें हिमाचल प्रदेश और जम्मू, ये कौन से पास के थ्रू कनेक्ट होते हैं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू को कौन सा पास कनेक्ट करता है? सीधा क्वेश्चन है और काफी ज्यादा ये ट्रेंडिंग में है, करंट में है, ये चीज न्यूज है, करंट में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो है पधरी पास, ये आपको नाम याद रखना है पधरी पास, और बुक्स में पादरी भी लिखा है, लेकिन मैं पादरी लिख रहा हूँ जो बुक्स में लिखा है। इसके अलावा एक और चीज, जैसे HS में पूछ लिया जाता है पदरी पास तो है लेकिन इसकी हाइट कितनी है, सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है, 3050 मीटर। ये जो है सी लेवल से इसकी हाइट है। इसके अलावा और भी पूछा जा सकता है इन फीट में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो 3.3 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके, तो 10,000 समथिंग के आसपास ये फीट में रहता है। इसके अलावा हम बात करें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसको कौन कौन से जो पासेज हैं वो कनेक्ट करते हैं? इसको जो 3 पासेज याद रखना, आपको 3 पास जो है हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड के साथ कनेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कमीलागा दर्रा, दूसरा चरांग, और तीसरा अगर मैं बात करूं लास्ट लमखागा। ये जो 3 पासेज है ये हिमाचल को कनेक्ट करते हैं उत्तराखंड के साथ। ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से पासेज हैं, इनकी हाइट वगैरह नहीं पूछी जाती, ये कुछ ज्यादा स्पेसिफिक मेंशन नहीं करके रखा है कहीं पे भी, लेकिन ये जो है ये पूरा करंट में है, इस करके मैंने आपको ये बताया। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश का एक और दर्रा है जो कि कनेक्ट करता है हिमाचल को, और ये कनेक्ट शिंगन कोड, शिंगन कोड दर्रा, ये कहाँ पे है और कहाँ से कहाँ को ये कनेक्ट करता है?
ये जो कनेक्ट करता है वो लाहौल को करता है जास्कर के साथ, अलाइड नाइब तहसीलदार का भी एग्जाम आने वाला है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको पता है शिंगन कोड, शिंगन लेडी ऑफ केलोंग भी कहा जाता है इसे, तो ये लाहौल में, और ये जो कनेक्ट करती है जास्कर के साथ, जास्कर के साथ, जास्कर, और आपको पता है कि जास्कर की जो रेंज है वो तिब्बत में आती है, तिब्बत जो अभी चाइना के अंडर आता है, तो हिमाचल, और ये यहीं पे हिमाचल की हाईएस्ट पीक भी है शिला, 7026 मीटर जिसकी हाइट है। तो इतना डिटेल में ज्यादा जाऊंगा नहीं मैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कांगला पास की, अगर हम बात करें तो कांगला कहां पे और ये किससे किसके साथ कनेक्ट करता है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो आपको पता ही होगा कांगला जो है वो लाहौल स्पीति में, स्पीति में है, तो यहां से आप एक चीज तो कर ही सकते हो कि ये स्पीति में है। एक चीज मैंने अभी आपको बताई कि स्पीति के साथ सिर्फ दो ही इंटरस्टेट बाउंड्रीज आती हैं। स्पीति जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है स्टेट वाइज, तो वो जम्मू के साथ करता है, तो स्पीति जो करेगा वो लद्दाख के साथ, लद्दाख। कांगला पास जो है स्पीति को कनेक्ट करता है लद्दाख के साथ, तो ये आपको चीज याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चांसल पास, सबसे पहले चांसल कहाँ पे है, शिमला, शिमला की ये हाईएस्ट पीक है, इसकी जो कितनी मीटर ऊंचाई है ये भी पूछ लिया जा सकता है आपसे, तो ये है 4500 मीटर के आसपास जो इसकी वो हाइट है, शिमला की हाईएस्ट पीक है। तो ये अब किसे किसके साथ कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है शिमला को उत्तराखंड के साथ, तो ये पास भी आपको याद रखना है कि शिमला को उत्तराखंड के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो वो चांसल है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे इंटर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं रोहतांग दर्रे की, काफी ज्यादा ये करंट में है, अभी आपको पता है कि अटल टनल कहाँ पे बना है, रोहतांग के पास आसपास ही बना है, नीचे रोहतांग के, तो रोहतांग दर्रा एक, तो रोहतांग दर्रे के नीचे अटल टनल बना है। रोहतांग दर्रा जो है वो कहाँ पे है, सबसे पहले कौन से चीज, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है ये जो दर्रा है, किन चीजों को कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है कुल्लू को लाहौल के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो है दर्रा बनने के बाद, ये जो अटल रोहतांग टनल बना, तो इससे जो है 46 किलोमीटर जो सफर है वो कम हो गया है इस टनल रोहतांग पे जो है अटल टनल बनना है उसके बनने के बाद से। इसकी जो हाइट है वो कितनी है ये पूछ ली जाती है, 3798 मीटर, ये जो इसकी हाइट है वो सी लेवल से है। इसके अलावा रोहतांग से एक और चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने फीट ऊंचाई पे है ये, तो ये आपको याद रखना है 13050 फीट, मीटर्स में अगर पूछ लिया जाए तो 3798 मीटर, और फीट वाइज पूछ लिया जाए तो ये 13050 फीट जो है समंदर तल से हाइट पे है। इसके अलावा ये रोहतांग जो है, रोहतांग में जो है ये कहां, जैसे वहां से कौन सी झील निकलती है, भृगु झील निकलती है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है अलाइड में, ऐसे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं वारू जो है वो धर्मशाला को कनेक्ट करता है चंबा के साथ, वारू दर्रा जो हिमाचल धर्मशाला को कनेक्ट करता है चंबा के साथ, हाथीधार रेंज, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार ये रिपीट हो चुका है, हाथीधार जो रेंज है ये चंबा में, अगर चंबा में भी पूछ लिया जाए तो ये भटियात आपको याद रखना है, इस तरफ है। इसके अलावा मकोड़ी, मकोड़ी की हाइट पूछ ली जाती है 5198 मीटर, और ये मकोड़ी जो है ये कांगड़ा में है, मकोड़ी दर्रा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जालसू, काफी फेमस दर्रा है, ये जो कनेक्ट करता है चंबा को कनेक्ट करता है कांगड़ा के साथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हामटा जो है ये कुल्लू में है, कुल्लू में भी अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाए ऑप्शन में, तो ये मनाली में जो है हामटा दर्रा कहाँ पे है, ये कुल्लू में। इसके अलावा फ्रेंड्स जास्कर दर्रा जो, इसको एक और नाम से जाना जाता है ला अगर लग जाए तो ये जो ला स्पेसिफिक होता है ये दर्रों के लिए होता है, जास्कर को जो एक और नाम से जाने जाते हैं वो है शिंगोला, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा दर्रे हैं हिमाचल के, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।